सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें सलमान खान की बेहतरीन बॉडी देखने को मिल रही है। सलमान खान इस बॉडी में जबरदस्त अंदाज में लग रहे हैं जिसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये फोटो भारत के सेट की है, इसमें सलमान खान बेहतरीन पोज देते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, भारत फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्मी स्थान में जोरों शोरों से चल रही है और फिल्म से जुड़ी है दिलचस्प जानकारियां हमें रोज मिलती रहती हैं। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और राजकुमार राव स्टारर फिल्म फन्नेखा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वही दूसरी ओर ऋषि कपूर की मुल्क भी आज रिलीज हुई है। इसी के साथ ही इरफान खान की फिल्म कारवां भी आज रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ ही आज कई तीन फिल्में रिलीज हुई है, एक फन्नेखा, मुल्क और कारवां। ये सारी फिल्में अपनी अपनी कहानियों पर आधारित है। सुबह से ही फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच भारी ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसी बीच अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने गोल्ड का एक दूसरा ट्रेलर रिलीज किया है 3D में। बात से साफ जाहिर होता है कि अब गोल्ड फिल्म हमें 3D में देखने को मिलेगी, यानी अक्षय कुमार की बेहतरीन सीन्स अब दर्शक 3D में देख पाएंगे सिनेमाघरों में। प्रियंका चोपड़ा का सलमान खान की फिल्म भारत को छोड़ने के बाद अब कटरीना कैफ को इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कास्ट कर लिया गया है और कटरीना को लेकर इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई है कि सलमान खान ने कटरीना को फिल्म भारत के लिए दुगनी फीस दे दी है। बताया जा रहा है कि सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा की जितनी कटरीना कैफ को इस फिल्म में फीस दिलाई है। आमतौर पर कटरीना कैफ एक फिल्म के लिए करीब 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज लेती है, लेकिन सलमान खान ने फिल्म भारत में कटरीना कैफ को 12 से 13 करोड़ रुपए दिलाए हैं। जैकी श्रॉफ, सोनू सूद और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म पलटन का ट्रेलर आ गया है जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। पलटन की कहानी में दिखाया जाएगा कि किस तरह भारतीय सेना ने हाल 1967 में हुए चीन के साथ युद्ध में चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। साथ ही भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगी। और बोली फैंस के लिए खुशी की खबर आई है। दरअसल नेटफ्लिक्स ने करार किया है जिसके तहत वो द राइज ऑफ शिव गावी नॉवल की कहानी को वेब सीरीज में दिखाएगा। ये 2015 में आए बाहुबली का प्रीक्वल है। बताया जा रहा है नेटफ्लिक्स बाहुबली के पहले सीजन में 9 एपिसोड दिखाएगा। इसके इन 9 एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि किस तरह एक शहर पूरा कैसे साम्राज्य में तब्दील हुआ। इसके बाद इसका दूसरा सीजन भी रिलीज होगा। आपको बताते चले, SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म बाहुबली के दोनों पार्ट बाहुबली दी बिगनिंग और बाहुबली दी कंक्लूजन में जो कहानी चलती है उससे पहले की कहानी को शिव गानी और राजमाता को आधार बनाकर लिखा गया है। जल्दी हमें नेटफ्लिक्स पर के एपिसोड देखने को मिलेंगे।